आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुआ टकराव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका के ट्रंप सरकार ने एक कड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को चीन को ह्यूस्टन स्थित महावाणिज्य दूतावास को 72 घंटे के अंदर बंद करने को कहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने कहा कि अमेरिका ने ह्यूस्टन में महावाणिज्य दूतावास को बंद करने के लिए कहा है। अब वहीं ट्रंप प्रशासन के इस कदम से बीजिंग बुरी तरह भड़क गया है। उसके अधिकारी ने इस कदम को अपमानजनक और अनुचित बताया है। अमेरिका के इस आदेश के बाद से ही दूतावास के अंदर से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि चीनी कर्मचारी गोपनीय दस्तावेजों को जला रहे हैं। उधर अमेरिका के इस कदम के बाद चीन भी भड़क गया है। चीन ने आवश्यक जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। कोल्ड वॉर के बाद ऐसा पहली बार है कि अमेरिका ने इस तरह किसी भी देश के दूतावास को बंद करने का आदेश जारी किया हो। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने चीन के साथ जारी गंभीर तनाव को देखते हुए ह्यूस्टन के महावाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। अब वहीं इतने कम समय में महावाणिज्य दूतावास को खाली करने के आदेश से चीन के विदेश मंत्रालय में हड़कंप मच गया है। अमेरिका के आदेश के बाद चीनी दूतावास के अंदर अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। यही नहीं, चीनी कर्मी बड़ी संख्या में गोपनीय दस्तावेजों को जलाते देखे गए हैं। कर्मचारियों के दस्तावेज जलाने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चीन की ओर से इसे राजनीतिक रूप से भड़काऊ कदम बताते हुए कहा गया कि इसे दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते खराब होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेबनिन ने कहा है कि उन्हें मंगलवार को जानकारी दी गई कि उन्हें वाणिज्य दूतावास बंद करना होगा। वेबनिन ने कहा, चीन अमेरिका से अपना गलत फैसला तुरंत वापस लेने का आग्रह करता है, वरना चीन इसके खिलाफ जरूरी और उचित कदम उठाएगा। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।